हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और मंडे है और नया वीक शुरू हो चुका है। आई विश यू ऑल द स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, मोटिवेशन एंड हेल्थ थ्रू आउट द वीक। चाय बनने रखी है मैंने, अभी दूध गर्म हो रहा है, अभी इसका चाय बनेगा। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहती थी ये, तो ये है मेरा छोटा सा मग कलेक्शन। और ये दिखाने का मेरा कोई इंटेंशन था नहीं, लेकिन मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे मग कलेक्शन। शायद वो एक ही पर्सन मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं या शायद बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। पर थोड़े से ही हैं यार, ज़्यादा मेरे पास है नहीं। एक है ये मग, ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मैं जब भी दिखाती हूँ बहुत लोग को पसंद आते हैं। पर ये मैंने बहुत पहले डीमार्ट का एक हॉल दिखाया था आपको, उसमें मैंने ये दिखाए भी थे। शायद ये 80 या 90 रुपये का एक है और ये मैंने डीमार्ट से लिए थे। उसके बाद ये दो टी कप्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन, और ये वेलबक के हैं, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिए थे। ये दोनों मैंने लिए थे, इसके ऊपर जो लिखा है इस कैप्शन के लिए, थोड़ा सा यहाँ से अभी चिरप भी हो गया है, स्टिल आई यूज देम बिकॉज मुझे बहुत पसंद है, इसके ऊपर जो लिखा है उसके लिए। और ये भी मैंने डी मार्ट से ही लिए थे। मुझे मग कलेक्शन का ऐसा सच कोई शौक नहीं है, पर हाँ जब कोई अच्छे वाले दिख जाते हैं तो मैं उसमें से दो पीस ले लेती हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। इसके बाद ये वाले भी आप लोग ने काफ़ी पसंद किए, और ये वाले भी मैंने लिए थे डी मार्ट से ही। और आप देखेंगे सभी दो दो हैं, ना तीन है ना एक है, क्योंकि मैं सभी पैर में ही लेती हूँ। एंड देन ये हैं, ये मैंने किसी और स्टोर से लिए थे, मुझे याद नहीं है, इस पर लिखा है होम ट्री, मुझे याद नहीं मैंने किस स्टोर से लिए थे। तो ये हैं दो, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, इन सब में थोड़े से ये वाले हाई एंड तरफ हैं। और इसके बाद ये वाले दीज टू, ये इसके बारे में भी बहुत लोग क्वेरी करते हैं। तो ये मैंने बेसिकली जो सिटीज में क्राफ्ट मार्केट नहीं लगता है, उसे क्राफ्ट बाजार या क्राफ्ट मार्केट कहते हैं, जहाँ पे हाथ से बनाने वाले जो सामान होते हैं ना, हाथ के कारीगर जो होते हैं वो लोग के सामान को शोकेस करते हैं, और काइंड ऑफ एग्जीबिशन जैसा होता है। आप घूम भी सकते हैं, चीज़ें देख भी सकते हैं, और जो पसंद आए वो आप खरीद भी सकते हो। और ये शायद 180 का वन था। और हाँ, ये है मेरे कलेक्शन के सबसे महंगे मग्स, और ये बहुत बड़े हैं, एकदम सूप बोल की तरह, और बहुत प्यारे हैं ये। इसके बाद एक ये है, ये भी किसी ने गिफ्ट में दिया था, एक है ये। और एक ये है, ये मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस से बर्थडे पे मिला था, यहाँ उनके ऑफिस का नाम वगैरह कार्व किया हुआ है, तो ये उनको बर्थडे में मिला था। और एक है ये, इसके ऊपर से सारा प्रिंट जा चुका है। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए थे एक कोर्स करने, यहाँ पे लीन पिच लिखा हुआ है अगर आप देख सकें, तो शायद वो स्क्रम मास्टर का कोर्स करने गए थे। वहाँ पे उनका जो क्विज हुआ था उसमें मेरे हस्बैंड का टीम जीता था, इसलिए उनकी पूरी टीम को ये वाले मग मिले थे। और आज का ये ब्लॉग है सैटरडे का, सुबह ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोगों ने चाय पिया, मैं और शर्मा जी। और हम लोगों ने ये जो भैया है ना, ये सोफ़ा क्लीन करते हैं, इनको बुलाया था अर्बन क्लैप से। पिछली बार जब मुझे एसी की फ़िटिंग की, जो मैंने आपसे बात शेयर करी थी कि मुझे नहीं मिल रहे हैं मैकेनिक्स, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अर्बन क्लैप का सर्विसेज मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ सोफ़ा को क्लीन कराने का मन था मेरा दिवाली क्लीनिंग के हिसाब से, तो हम लोगों ने अर्बन क्लैप पे सर्च किया और वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल थी, और फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो सैटरडे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट फाइनली मिला हम लोगों को, और ये भैया आए थे, अपना ही सारा सामान लेकर आए थे, ये वैक्यूम क्लीनर, डिटर्जेंट एंड एवरीथिंग, और इन्होंने गुड 2 घंटे लिए और सोफ़ा पूरा जो है क्लीन कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एक बार जब सफाई हो गई ना सोफ़ा की, तो सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा लाइट,
अच्छे कलर वाला, अच्छी स्मेल वाला लग रहा था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह थरली डीपली क्लीन करा, पहले पूरे सोफ़ा को हर कॉर्नर से वैक्यूम क्लीन किया, और इसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी जो भी स्टेप उन्होंने किए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस सोफ़ा के लिए मुझे बहुत क्वेरीज आते हैं, मैंने ये कहाँ से लिया। मैं मल्टीपल टाइम आंसर कर चुकी हूँ, बट अगेन मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने ये इवोक, EVOK, एक इवोक नाम का जो स्टोर है वहाँ पे ज़्यादातर इंटीरियर के सामान, फर्नीचर वगैरह मिलता है, वहाँ से लिया था। और ये मैंने 2019 में ही जनवरी में लिया था, तो इसको साल में एक बार ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत पड़ती है। बट मैं यहाँ देख रही थी कि काफ़ी दाग इस पे लगने लगे थे, बिकॉज़ मेरे बच्चे इसी पे रहते हैं, एंड बच्चों वाला घर होता है तो थोड़ी बहुत गंदगी सफाई चलती ही रहती है, एंड आई डोंट माइंड इट, क्योंकि चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, बच्चों का बचपन वापस लौट कर नहीं आता है। बट देन आई वॉज फीलिंग कि इसको थोड़ा सा क्लीन करा लेना चाहिए। और अगर आपके पास भी सोफा है जिसे आप साफ कराना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह जो सर्विसेज अवेलेबल हैं अर्बन क्लैब पे, उन्हें अवेल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा उन लोग का काम है और काफ़ी रीजनेबल भी। बेसिकली आपका सोफा कितना बड़ा है, कितने सीटर है, उस हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। और जितना वक्त सफाई में जाता है, जितनी मेहनत ये लोग करते हैं, और जो बाद में जो रिजल्ट मिलता है ना, उसके हिसाब से आई वुड से रीजनेबल ही है। तो ये अपने साथ ही कुछ कुछ सॉल्यूशंस लेकर आए थे, जिससे इन्होंने बाद में सोफ़ा क्लीन किया। पूरा सोफ़ा इन्होंने 2-3 3-4 स्टेप में पूरा का पूरा सोफ़ा जो है साफ़ किया। और अभी ये जो इन्होंने बाल्टी में पता नहीं क्या क्या ये लिक्विड्स डाले, इससे झाग बनाया, मुझे लगता है किसी तरह का फैब्रिक क्लीनर ही होगा ये। और इस झाग से इन्होंने पूरे सोफ़ा को रब किया है, ज़ोर ज़ोर से रब नहीं किया था, हल्के हल्के हाथों से ही रब किया है, और इसके जो दाग वगैरह थे ना, वो सब चले गए। और आपको लग रहा होगा कि इतना गीला हो गया है सोफ़ा, ये कैसे सूखेगा, बट ही मेड श्योर कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो सक कर लिया जाए, और उसके बाद पंखे की हवा में ही सूख गया। यहाँ पे मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर सोफ़ा क्लीन करवाना चाहते हैं ना, तो मेक श्योर कि क्लाउडी ना हो डे, बारिश वारिश ना हो, ड्राई होना चाहिए एयर बेसिकली, सो दैट जो सोफ़ा गीला हो गया है वो फटाफट से सूख जाए। और ये तो कपड़े वाला सोफ़ा है, जिसको क्लीन करने में थोड़ी से ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको सुखाना बुखाना पड़ता है। पर अगर आपका सोफ़ा रेक्सीन वाला है ना, तो उसमें तो कोई भी हेडेक नहीं है, वो तो फटाफट से क्लीन हो जाता है, और उसे तो घर में भी एज सच क्लीन करना बहुत आसान है। उसके जो दाग वाग हैं वो बड़े आराम से आप रोज़ भी अगर गीला कपड़ा मार देंगे तो साफ़ हो जाता है। और पूरे सोफ़ा को एक बार स्क्रब कर देने के बाद इन्होंने वापस अपनी वैक्यूम मशीन से जितना भी एक्सेस वाटर था यहाँ पे, उस सब वाटर को जो है सक कर लिया है। और दैट्स हाउ जो सोफ़ा है ना, ट्रस्ट मी, 2 से 3 घंटे में तो बिल्कुल वापस पहले जैसा सूख भी गया था, लग ही नहीं रहा था कि ये धुला है। हाँ, उसका जो सॉफ्ट टच था, उसमें जो खुशबू आ रही थी, और उसका जो कलर जो है इम्प्रूव हो चुका था, वो देखकर आपको लगेगा कि हाँ ज़रूर कुछ तो हुआ है इस सोफ़े के साथ, बट वो गीला कहीं से भी नहीं था, एकदम से अच्छी तरह से सूख चुका था। आप देख सकते हैं सोफा पे इस तरह के काफी सारे छोटे मोटे निशान थे, जो ऐसे दूर से तो नहीं दिखते हैं, पर पास से काफी अगली लगते हैं इस तरह के छोटे मोटे निशान। तो
तो हम लोगों ने देखा था कि क्या ये निशान जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी, हर एक निशान इस सोफा से चला गया था। मे बी जो क्लीनर वो यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रांग पावरफुल होता है, तो अभी तो एक भी निशान किसी भी तरह का सोफा में मुझे नहीं दिख रहा है। और जो मेरा सोफ़ा है ना, ये बेसिकली एल शेप सोफ़ा है, तो इन्होंने इसको, ये बेसिकली डिटैचेबल है, तो उसको आप देख सकते हैं बीच में से उन्होंने उसको अलग कर दिया है। और ये 3 सीट्स को एक बार में धोया और वो 3 सीट्स को एक बार में उन्होंने साफ़ किया। मिट्टी है जो सोफा में से निकली है, है ना? हाँ वही मिट्टी है, देखो है। कितना मिट्टी है बताओ? हाँ वही है, 2-3 किलो 2-3 किलो से ज़्यादा है। ठीक है सर, सही है। है चॉकलेट? हाँ है ना, तभी 1-1.5 घंटे में ये सूख जाएगा ना। हाँ हाँ, आराम से चालू रखिए, एक पंखा चालोगे तो भी चलेगा। ओके, तो आपका स्टेन निकल गया सर। अभी देखिए ये सोफ़ा, दोनों फ़ैन मैंने ऑन कर रखे हैं इसको सुखाने के लिए, इसके लिए शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से ना आए। ये अभी तक गीला है, इस पर बैठ नहीं सकते, कुशन भी उठा के उधर रख दिए हैं मैंने, एंड ये डिटैच भी कर दिया था वो भैया ने, एक बारी में ये क्लीन किया था। और कपड़े का स्टैंड जा चुका है बाहर, तो ये सूख जाएगा एक बारी, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको जो है यहाँ से ये क्लिप करना पड़ता है, ये क्लिप कर देंगे। और क्लीन बहुत हो गया, आप देख सकते हो, शायद कैमरा में नहीं दिखेगा उतने अच्छे से, पर इस पर छोटे छोटे ना निशान हो गए थे, अभी बहुत साफ लग रहा है। और इसके बाद शाम में थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम लोग चले गए थे डीमार्ट, और डीमार्ट पे मिली मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर, और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। और इसके बाद हम जब तक घर वापस आए, ये सोफ़ा एकदम सूख चुका था, बस काम बाकी था, वो था कि इसको वापस पिन अप कर दिया जाए। और ये है सामान जो हम लोग अभी डी मार्ट से लेकर आए हैं। अभी टाइम हुआ है 10 o'clock, और इस हफ्ते बिल्कुल टाइम लगा नहीं, इसलिए हम लोग अभी लेकर आए। तो फ्रोज़न, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा देती हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली फ्रोज़न मटर मैं यूज़ करती हूँ, ये है सफल, एंड ऑयल फॉर्च्यून का सनफ्लावर, और फॉर्च्यून का ही कच्ची घानी, एंड और आटा आटा आशीर्वाद सिलेक्ट, राइस ये वाला इंडिया गेट, और एक चीज़ है बस दिखाने जैसा, वो है ये ये
ये कैंडल होल्डर्स हैं लैंटर्न टाइप्स, और ये तीन है शायद 249 299 चॉकलेट खाओगी? यस थैंक यू, यू वेलकम। और मेरे साथ ये सामान रखने को कौन हेल्प करेगा? तुम। सोफा हो गया क्लीन, अब मत गंदा करना प्लीज। और एक ये है ड्राई फ्रूट कचौरी, ऐसी गोल गोल कचौरी होती है ना, ये शर्मा जी को बहुत पसंद है। और ये है ना, ये पापड़ नहीं है, ये है मठिया। और ये है ना दाल का बनता है, इस पे लिखा भी है मठ फ्लावर और उड़द फ्लावर। और ये पापड़ जैसा दिखता है पर ये पापड़ जैसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा स्वीट होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये मैं लेकर आई हूँ, ये रेडी टू यूज़ है, बस फ्राई करना है इसको। गुजराती फरसान है ये। और चाय की पत्ती, इसके लिए सबसे ज़्यादा सवाल मुझे आते हैं। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, मैं टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ। बहुत बार मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर चुकी हूँ कि मैं टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं स्विच भी करती हूँ, जो ताजमहल होता है ना वो लेकर आती हूँ, बट यूजुअली ये ही। फेस कौन नींबू पानी बना रहा है? हम दोनों बना रहे हैं। क्यों बना रहे हो? अच्छा गाइज, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये लोग मुझे बोलते हैं मामा कुछ ठंडा पीने का मन हो रहा है, कुछ मंगाओ, कुछ लाके दो। तो मैंने कहा बेटा सबसे अच्छा ठंडा तो नींबू पानी ही होता है, और इनके डैड सबसे अच्छा नींबू पानी बनाते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया। तो बच्चे बोल रहे हैं हमको सीखने का है, जिससे आगे से आप पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो इसलिए वो सीख रहे हैं। श्योर थिंग। तो नींबू पानी बनाने के लिए, जैसे कि अगर आपको तीन लोगों के लिए नींबू पानी बनाना है, तो फिर आप तीन ग्लास यहाँ एज इन मग या वैसा कुछ नहीं उतना पानी आप डालेंगे यूटेंसिल में। चलो अपनी मेहनत का नींबू पानी चख के बताओ कैसा बना। वैसे आपने भी मदद की है हमारी। हाँ मस्त बना है। हाँ सच्ची। हाँ सही में वेरी गुड खुशी, तूने प्रॉपर चीनी डाली है। थैंक यू। वैसे मम्मी ने बताया था। जा पापा को टेस्ट कराओ।